दर्शकों नमस्कार, सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे फल एवं सब्जियों में पॉली हाउस किस तरह से हम उपयोग करेंगे, संरक्षित खेती में पॉली हाउस का क्या महत्व है, और इसके साथ साथ तमाम वो मौसम संबंधी हम बातें भी करेंगे। दर्शकों, हम बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है बारिश भरपूर हो रही थी और धीरे धीरे एक दो दिन से जो है बारिश का सिलसिला थोड़ा थम गया है, और अब किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ रही है कि वो अपने खेतों में किस तरह से क्या काम करें और कौन से ज़रूरी काम उनके लिए है, ख़ास तौर से फल सब्जियों में संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे आज के विशेषज्ञ मेहमान होंगे डॉक्टर एम एस परिहार, जो कि फल एवं अनुसंधान फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी से हमारे बीच में पधारेंगे, उनसे हम गहन चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हम आसपास की चीज़ों को बखूबी जानते हैं, इसके साथ साथ ही दूर दराज की चीज़ें भी हमें विभिन्न माध्यमों से पता चलती रहती है। ऐसा ही हम कृषि दर्शन में भी जो है आपको खेती किसानी से संबंधित जो तमाम जानकारी होती है, खबरें होती है, वो दिखाते हैं, सुनवाते हैं। तो इस समय वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए चलते हैं आनंद तिवारी के साथ। किसान भाई नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है खेती से जुड़ी कुछ खास खबरें। खरीफ फसलों हेतु समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, मटर की अगेती खेती, टमाटर की उत्तम पौधशाला, मछली पालन में पोषक तत्वों को प्रयोग और पावर टिलर चलित जुताई एवं बुआई यंत्र। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 16 सितंबर से पंजीयन शुरू किया जा रहा है। पंजीयन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री तोमर ने किसानों से आग्रह किया कि वे समय सीमा में पंजीयन अवश्य करा लें। उन्होंने बताया कि पंजीयन MP किसान ऐप, ई उपार्जन मोबाइल ऐप और ई उपार्जन केंद्रों पर कराया जा सकेगा। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि खरीफ की फसलों में धान, ज्वार तथा बाजरा के लिए पंजीयन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस बार समर्थन मूल्य पर धान कॉमन 1,815 रुपये, धान ए ग्रेड 1,835 रुपये, ज्वार 2,550 रुपये तथा बाजरा 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाएगा। पंजीयन के बाद किसान की पूरी जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। पंजीयन की सूचना किसान को SMS और उपार्जन पोर्टल से प्रिंटआउट के द्वारा प्राप्त हो सकेगी। श्री तोमर ने बताया कि नए किसान भी मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे। श्री पद्म सिंह तोमर ने कहा कि भू स्वामियों को पंजीयन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसानों को सिकमी अनुबंध पत्र तथा पट्टे की प्रति अवश्य देना होगी। किसानों को बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर में OTP आधारित संशोधन की सुविधा भी प्रदान की गई है। श्री तोमर ने बताया कि किसान अपनी शिकायतों एवं समस्याओं के लिए समाधान करने का CM हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकेंगे। मटर की अगेती बुआई करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। मटर की अगेती उन्नत किस्मों की बात करें तो PSM 3, BL 3, अर्कील, हरा बोना जवाहर मटर 4, अगेती 6 मुख्य हैं। अगेती मटर की बुआई हम इस सप्ताह के अंत तक कर सकते हैं। इसके लिए खेत में नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। बीज मटर के लिए प्रति किलो बीज को 5 से 6 राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इससे प्रतिवर्ष 50 से 100 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होता है। हमें मटर के पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर व कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगेती मटर से हमें नवंबर से उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है और हरी फलियों का बाजार मूल्य अच्छा मिलता है। सब्जी उत्पादन करने वाले भाई अगले माह रोपाई करने वाले हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतशील किस्मों जैसे पंजाब छुहारा, पूसा रूबी, काशी अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा शीतल किस्मों की बुआई कर सकते हैं। संकर किस्में नवीन, वैशाली, रूपाली, सोनाली, इनमें से किसी भी एक किस्म की पौधशाला में बुआई करके 1 एकड़ खेत में इसकी रोपाई की जा सकती है। उसके लिए 200 ग्राम बीज को प्रति 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। प्रमाणित बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। नर्सरी में रोग रहित पौधों की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठाकर बनाना चाहिए। तालाब में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी और पानी में मछली पालन से संबंधित आवश्यक तत्वों और पोषक लवणों की कमी को पूरा करता है। इसके लिए मिट्टी में पोषक तत्वों व लवणों की कमी को जानना जरूरी है। इसके लिए विश्लेषण कराना भी जरूरी है और परीक्षण के उपरांत चूना 200 किलो,
जैविक गोबर कंपोस्ट खाद 10 से 12 किलो और रासायनिक खाद अमोनियम सल्फेट 100 से 250 किलोग्राम S4 150 से 200 किलोग्राम MOP 80 से 200 किलोग्राम प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष जिंक सल्फेट। इसके अलावा मत्स्य विभाग के विशेषज्ञ के सुझाव के अनुसार ही हमें प्रयोग करना चाहिए। खेत तैयार करने तथा साथ साथ बीज एवं उर्वरक की बुआई करने के लिए 10 से 12 हॉर्स पावर का यह पावर टिलर कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा विकसित किया गया है। यह गेहूं, चना, सोयाबीन आदि के लिए मध्य तथा भारी मिट्टी में बुआई के लिए उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, पुनः आपका स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारा आज का विषय है फल एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस, और हमारे आज के अतिथि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MS परिहार, जो कि फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी से हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी सोनी साहब, नमस्कार। और दर्शकों, हम आपको बता दें ये सजीव टेलीफोनिंग कार्यक्रम है, आप सीधे टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज के उनसे सीधे सवाल कर सकेंगे। भोपाल का STD कोड है 0755, टेलीफोन नंबर है 2660-0049, एक हमारा टोल फ्री नंबर है किसान भाइयों, निःशुल्क नंबर है 1800-233-0040। इन नंबर्स पर आप टेलीफोन लगाएं और फिलहाल जो भी आपकी समस्याएं हैं खेती किसानी में उनसे संबंधित और ख़ास तौर से पॉली हाउस से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं, वो हमारे विशेषज्ञ से आप जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जी, क्योंकि काफ़ी समय से जो है बारिश भरपूर हुई है इस साल, पूरे प्रदेश में सभी जिलों में प्रायः भरपूर बारिश हुई है और लगभग कल या आज दो दिन से जो है मौसम थोड़ा सा खुला है। जी, तो आप बताएं कि इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या काम जरूरी करने होंगे? सोनी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोयाबीन की फसल बिल्कुल पूरी तरह से पकाव पर है। जी, और पकाव की स्थिति में विशेष रूप से ध्यान दे रहे कि सोयाबीन पकने की अंतिम अवस्था में, हाँ, अगर 2% यूरिया का घोल का स्प्रे किया जाएगा तो जो दाना छोटा है वो पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और अंडर साइज जो है वो कम होगा और बीज उत्पादन अच्छा होगा, पुष्ट बीज प्राप्त होगा। तो ये बात विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें। कई जगह अधिक वर्षा से निश्चित रूप से नुकसान हुआ है और खास तौर से उन खेतों में जहाँ की समुचित जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं थी। जी, पर जहाँ समुचित व्यवस्था थी वहाँ इस तरीके की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। चूँकि बीज पकाव की स्थिति में है, उसमें विशेष ध्यान रखने की जो मैंने बात बताई कि 2% यूरिया का घोल
अगर अंतिम अवस्था में सोयाबीन की फसल पर छिड़काव किया जाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका बीज उत्पादन बहुत अच्छा होगा। जो छोटा बीज है वो भी बड़ा हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा और कलर आ जाएगा, चमक आ जाएगी और बाज़ार में उसका अच्छा दाम प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भरपूर बारिश हुई है और अब जो है थोड़ा सा जो है मौसम खुला है, क्योंकि ये बारिश का जो अभी आपने बताया कि सोयाबीन में जो है इस समय 2% यूरिया की ज़रूरत है। जी, जी। इसके अलावा और दूसरी फसलों में बारिश का क्या असर हमको देखना? देखिए, कई फसलों में खासतौर से जो जल्दी आने वाली फसलें होती हैं, मुख्य रूप से जैसे कि आपकी उड़द है, मूँग है, इन फसलों में नुकसान भी निश्चित रूप से हुआ है अधिक वर्षा से। तो ऐसे स्थान जहाँ के जल का भराव हुआ है वहाँ इस तरीके के नुकसान की खबरें मिली हैं, पर जहाँ पानी आया और पानी गया उस तरीके की फसलों में कोई नुकसान नहीं है। विशेष रूप से ध्यान की के क्षेत्र में हल्दी भी बरसाती फसल है, पर हल्दी में कोई इस तरीके का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वो स्थान जहाँ के पानी का ठहराव हुआ है वहाँ हल्दी में भी सरकोस्पोरा की बीमारी आई हुई है, तो उसको भी फंजीसाइड डाल के और अभी मतलब ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अभी करीब करीब फरवरी तक हल्दी की फसल खेत में रहेगी। तो जो पानी से या फंगस से जो नुकसान होने की स्थिति है, अगर आप फंजीसाइड का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फलों की यदि हम बात करें तो बगीचों में जो है फल वाले जो पेड़ हैं, जी जी, उनमें क्या स्थिति बन रही है? फल वाले पौधों में कोई इस तरीके की वो नहीं है। मुख्य रूप से अभी अमरूद की जो फसल है, अमरूद की फसल पर फूल चढ़ने की अवस्था प्रारंभ हो गई है, और मतलब इस तरीके की अवस्था में खासतौर से मतलब जो है वो कचरा वगैरह साफ करके जुताई करके और उसमें बढ़िया खाद देने की अवस्था है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि खासतौर से अभी जो ठंड का मौसम आ रहा है वो मुख्य रूप से फलों में अमरूद जो है विशेष रूप से मतलब जो है उत्पादित किया जाता है। वैसे अगेती मटर के लिए भी सही समय आ रहा है। साथ साथ में ठंड का मौसम तो सब्जियों का बड़ा राजा मौसम माना जाता है, तो विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि अभी आप चाहें तो सारे की सारी ठंड की जो फसलें हैं, खासतौर से टमाटर है, भटा है, मिर्ची है, इसकी पौध डालने की का भी सही समय है, वो डालें। और जैसे ही खेत में बता रहता है वैसे ही तैयारी करके आपकी जो रबी की जो फसलें हैं उनकी मतलब जो है वो बुआई की स्थिति तैयार है। खासतौर से जैसा मैंने बताया कि अगेती मटर का बिल्कुल उचित समय है। अभी अगर आप जल्दी मटर करेंगे तो उसका शीघ्र बाज़ार में मतलब जो है वो है, उसमें अर्किल खासतौर से PSM3। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी जी, क्योंकि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल करें डॉक्टर साहब से। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जी, हमारी जो तीन फसल होती तो गर्मी पैदा होती मिट्टी में, दूसरी हमारी जो फसल पैदा होती तना में, एक जो लता वाली हमारी सब्जी होती, तो पाली हाउस में सबसे उचित और बढ़िया खूब पैदावार देने वाली फायदा देने वाली कौन सी फसल हम रहेगी? देखिए, अभी जो है वो तापक्रम और आर्द्रता दोनों चीजें पाली हाउस में कंट्रोल की जा सकती हैं, तो आप अनेक फसलें उगा सकते हैं। पर मुख्य रूप से जो आपकी शिमला मिर्च है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन इसके बीच में देती है। वैसे बेल वाली सब्जियां भी आप जो है वो उसमें लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं, और भी अनेक जो है वो फसलें मतलब जो है वो पाली हाउस में लगा सकते हैं। पाली हाउस का मुख्य रूप से मतलब ये है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती से मतलब है कि तापक्रम और आर्द्रता दोनों को जब कंट्रोल आप कर लेंगे तो कोई भी फसल सरलतापूर्वक सफलतापूर्वक आप जो है वो पाली हाउस के अंदर उगा सकते हैं, और मतलब ऐसे समय में जबकि उस फसल का समय भी ना हो उस फसल का उत्पादन लेके, और आप अतिरिक्त लाभ बाजार से ले सकते हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखने की है कि तापक्रम और आर्द्रता जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो किसी भी फसल को आप संरक्षित खेती के रूप में पाली हाउस में उगा सकते हैं।
बिल्कुल। तो मिश्रा जी, जाहिर सी बात है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, और दूसरे हमारे जो किसान भाई है वो भी जो है चाहे तो जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, खासतौर से फल सब्जियों की संरक्षित खेती में पाली हाउस। पाली हाउस एक महत्वपूर्ण जो है संरचना है, हमारे ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर किसान भाई जो है पॉली हाउस के बारे में जानते जरूर हैं, लेकिन उपयोग उतना नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। उसके लिए मुख्य रूप से उनको थोड़ा प्रशिक्षण की कमी रह गई है, पर वो प्रशिक्षण के लिए भी अगर चाहें तो मतलब जो है वो ईटखेड़ी या जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल जो है पॉली हाउस की संरक्षा के अंदर आप तापक्रम और आर्द्रता चूंकि कंट्रोल होता है, तो तमाम किस्म की कोकरबिटेसियस क्राप है, लौकी है, गिलकी है, टिंडा है, कुमड़ा है, करेला है, जे मतलब असमय जे फसलें आप ले सकते हैं। साथ साथ में जैसा कि मैंने बताया, उसके अंदर शिमला मिर्च की खेती है, आपकी टमाटर की खेती है, आपकी जो है वो अन्य फूलों की खेती है, बहुत सारी चीज़ें जो कहना जिस चीज़ का समय नहीं है उसको भी लेके और अतिरिक्त राप बाजार से किसान ले सकते हैं। तो ये बात विशेष ध्यान रखने की है। संरक्षित खेती का मतलब ही ये है कि संरक्षित खेती में मतलब आपने दोनों चीज़ें तापक्रम और आर्द्रता को कंट्रोल कर लिया, फिर आप किसी भी समय में किसी भी फसल को सरलतापूर्वक सुगमतापूर्वक उसका उत्पादन लीजिए और असमय भी उस फसल को उगाकर और आप लाभ कमाइए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि आप ये संरचना आपने देखी है, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की संरचना हमें बनानी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बताएं कि देखिए और क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी इसको बनाने। देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से कई कंपनीज इसको बना के देती हैं, उद्यान विभाग के अधिकारी और मतलब जो है वो कर्मचारी इन को मतलब जो है वो बनवाते हैं, पर आप चाहें तो साधारण रूप में भी आप बांस को भी उपयोग करके और इस तरीके की संरचना का निर्माण कर सकते हैं और उस पर पाली फिल्म चढ़ाकर और इस तरीके से तापक्रम और आर्द्रता को कंट्रोल करके भी आप मतलब जो है वो कम लागत में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कम लागत में भी आप जो है इस तरीके की संरचना बना सकते हैं और उससे अधिक से अधिक आप लाभ ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, खास तौर से ऐसे किसान जो अधिक लागत नहीं लगा सकते हैं, वो इस तरीके की छोटी छोटी टनल या छोटी छोटी संरचनाएं बना के भी मतलब जो है वो अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं और उसका फायदा उनको मिल सकता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आप उस तरीके की ही संरचना बनाएं, आप साधारण संरचना बांस की बना के भी और मतलब बांस की तार की एंगल की बना के भी इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भी उसको मैं करके और लाभ कमा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अभी देख रहे थे हमारे दर्शक जी, जो कि जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस के अंदर जो है मल्चिंग जी, तो ये क्या होता है? आज देखिए, अभी जो किसान लोग देख रहे हैं, जे खासतौर से जो स्क्रीन पे आ रहा है जे वायरल जो अटैक है, जे वायरल अटैक जो है वो खासतौर से कोकरबिटेसियस क्राप में, बेल वाली सब्जियों में, कद्दू वर्गीय सब्जियों में हुआ है। और जे इसका मुख्य कारण है कि जे जो होता है जे कीड़े के प्रकोप के द्वारा होता है, जो वायरस होता है वो कीड़े के पैर में लग के और सारा वो होता है। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहले तो आप कीड़े को कंट्रोल करें और दूसरी बात ये है कि जितनी भी इससे ग्रसित पत्तियां हैं उन पत्तियों को अलग से काट लें और एक कोई गड्ढा करके और उसको गाड़ दें। इस तरीके से मतलब जो है वो जितने जल्दी से जल्दी आप कीड़ों को कंट्रोल कर देंगे, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, कीड़े समाप्त हो जाएंगे और मतलब जो है वो वायरल अटैक को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से जो मल्चिंग का सर्वोत्तम उदाहरण है और इस तरीके से करके जिससे कि कचरा खेत में नहीं होता है या पाली हाउस के अंदर नहीं होता है और इस तरीके की जो संरचना बनाते हैं उसमें मतलब जो है सिर्फ पूरे के पूरा खाद, पूरा उसका न्यूट्रिएंट पोषक तत्व का पूरा भरपूर फसल को उपयोग मिलता है और कचरा कहीं से नहीं होता है। तो ये तकनीक भी आजकल बहुत विकसित की गई है और काफ़ी मतलब जो है लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और काफ़ी बड़े स्तर पे मतलब इसको लोग अपना भी रहे हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ भी किसानों को मिल रहा है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो अभी हम देख रहे थे मल्चिंग, तो मल्चिंग या पॉली हाउस, प्राय प्राय जो है पॉली हाउस ऊपर होता है, मल्चिंग जो है पौधे के पास में होता जी है। जी, तो इससे क्या पानी की बचत होती है? पानी की भी बचत, उससे कई फायदे हैं सोनी साहब। पहली बचत तो क्या है, पानी की बचत है जो सबसे बड़ी बचत है, कचरा नहीं होगा। दूसरा आपका जो है गर्मी में भी मतलब जो है वो जो पानी दिया हुआ हो उसका बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। साथ में सबसे मुख्य बात यह है कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक हम जो है वो उत्पादन ले सकेंगे। कचरा नहीं होने से पूरे के पूरे पोषक तत्व का लाभ पौधों को मिलता है और पूरी तरह से पौधे मतलब उस जो दिया हुआ खाद है उसका समुचित सदुपयोग करके और अच्छा उत्पादन देते हैं। तो मतलब सबसे मुख्य बात यह है कि आपका श्रम बचता है, आपका पैसा बचता है, आपका लेबर बचता है और मतलब जो है उस जे आप जो देख रहे हैं ये फल गलन या फल सड़न की जो बीमारी है, खासतौर से जो कुकरबिटेसियस क्रॉप जो अपना जो कहना चाहिए कि गिलकी है, गिलकी में है और ये खासतौर से फ्रूट फ्लाई के कारण होता है। जब छोटी अवस्था में फूल की अवस्था होती है उस समय एग लेइंग हो जाती है और एग लेइंग हो जाने के कारण फूल के ऊपर ही जो तितली है वो फल मतलब अंडा दे देती है और जब फल पक के तैयार होता है तो लार्वा, प्यूपा और एडल्ट जब वो वयस्क होता है और तब जाके फूल मतलब फल तैयार होता है तो उसमें वो सड़न की स्थिति प्रारंभ कर देता है। तो निवेदन ये है कि जब कोई भी फसल फूल पे हो तो किसान भाई समुचित ध्यान दें और मतलब जो है उस पर पूरी तरह से वो करें। ये दोनों किस्म में फल में और सब्जियों में दोनों तरीके की जो फसलें हैं उनमें नुकसान करता है। ख़ासतौर से फल फसलों में भी अभी फ्रूट फ्लाई का अटैक अमरूद के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अमरूद के ऊपर अभी जो फूल आ रहा है उस पर निश्चित रूप से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक का उपयोग समुचित मात्रा में करें जिससे कि वो ना रहे। और अगर जो भी आपके पास फसलें हैं खासतौर से सब्जियों की या फलों की या फूलों की, उनमें समुचित मात्रा में, चूँकि बरसात का मौसम कीड़ों को पैदा करने के लिए एक बड़ा मतलब जो है वो फेवरेबल कंडीशन होती हैं, तो इस तरीके से आपको कंट्रोल करने की समुचित आवश्यकता है। और अभी अगर आप कंट्रोल कर लेंगे जो आप देख रहे हैं जी इंटरक्रॉपिंग अंतर्वर्तीय मतलब जो है सब्जियों की खेती, तो अंतर्वर्तीय सब्जियों की खेती के रूप में ये देख रहे हैं जैसा कि दिखाया जा रहा है अमरूद पे फूल आ रहा है और इस समय अमरूद पे आपको विशेष रूप से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने की समुचित आवश्यकता है जिससे फल बनने की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो अंडा अंदर ना रहे। अंडा अंदर रहेगा तो उसी तरीके से जब फल पक के तैयार होगा तो वो उसमें गलन करने की या सड़न करने की स्थिति निर्मित करेगा। तो ये अंतर्वर्ती फसलों का भी उदाहरण है और मतलब जो है वो खास तौर से फ्रूट फ्लाई कंट्रोल करने की समुचित आवश्यकता है। बिल्कुल, तो किसान भाइयों हम मेहनत काफ़ी करते हैं, तरह तरह की तकनीक अपनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नुकसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो संरक्षित खेती में पॉली हाउस की हम बात करते हैं, जैसे कि ये संरचना दिख रही, तो सब्जियों की जो रोग बीमारी है उनमें किस तरह से मदद करता है? देखिए क्या है कि चूँकि बाहर से कोई भी मतलब बाहरी मटेरियल या फॉरेन मटेरियल उस पर अटैक नहीं कर पाता है, तो ख़ास तौर से आपकी जो जितनी भी पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है और मतलब जो है वो दूसरी फसलें हैं, इनमें चूंकि बाहर से कोई किसी चीज़ का अतिक्रमण नहीं होता है तो वो कम से कम उस पर मतलब जो है वो कीट या बीमारी का प्रकोप कम से कम होता है। मतलब एक तरह से ये भी फायदा है संरक्षित खेती में, बिल्कुल है, बिल्कुल है कि भाई आपको मतलब जो है वो खास तौर से जैसा कि आज चलन में आ गया है जैविक खेती, तो जैविक खेती के लिए खास तौर से अगर आप पॉली हाउस में, नेट हाउस में, ग्रीन हाउस में फसलें उगाएंगे तो कम से कम आपको दवा डालना पड़ेगी और कम से कम दवा डालेंगे या जो दवा डालेंगे वो देसी दवा डालें, खास तौर से नबोली या नीम से बनी हुई या मतलब जो है नीम का आयल या नीम से जो दूसरी चीज़ें निर्मित होती हैं इस तरीके की दवा डालेंगे तो आपको मतलब जो है वो कहना चाहिए कि जैविक उत्पादन होगा। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से
काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब जो है वो उत्पादन लिया जा सकता है और काफ़ी लाभ किसान उठा सकते हैं। अभी आज के युग में जो नवीन तकनीकें वैज्ञानिकों ने उत्पन्न की हैं, उन तकनीकों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर और मतलब जो है वो जैसे कि पाली हाउस है, नेट हाउस है, ग्रीन हाउस है, इस तरीके से जो है वो करके आप कम से कम जगह में अधिक से अधिक उत्पादन लेके और बहुत बड़े स्तर पे मतलब जो है लाभ उठा सकते हैं और इस तरीके से किसान उसका फ़ायदा ले भी रहे हैं। अभी धीरे धीरे इसका चलन निरंतर बढ़ता जा रहा है और किसान उसका लाभ उठाते जा रहे हैं। मौसम बेमौसम भी मतलब जो है वो फसल उगा के और मंडी में आती है। आप अभी देखते हैं सोनी जी कि किसी भी फसल का कोई सीजन अब नहीं रह गया, बिल्कुल 12 महीने 12 किस्म की सब्जियां। एक समय था जब खासतौर से जैसे कि गोभी है वो ठंड में मिलती थी, पर अब गोभी मतलब तीनों सीजन में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में कभी भी उगा सकते, इस तरीके की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। तो मतलब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किसानों ने इसको अंगीकृत किया है और ख़ास तौर से मतलब जो है वो आज के परिवेश में वैज्ञानिकों ने इस तरीके से संरक्षित खेती की तरफ ध्यान देके और काफ़ी बड़े स्तर पे पौध भी अब किसान को बनाने की आवश्यकता नहीं, पौध भी वैज्ञानिक बना के और आपको बाकायदा ट्रे में दे देंगे और आप ले जाके उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कुकरबिटेसियस क्रॉप, कुकरबिटेसियस क्रॉप मतलब बेल वाली सब्जियां, लौकी, गिलकी, टिंडा, कुमड़ा, करेला, आप इस तरीके से जो है वो करके और आप लगा के और बड़ा अच्छा और अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। एक बात भर विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब खास तौर से बेल वाली सब्जियों को आप खेती करते हैं तो इथरेल नामक जो हार्मोन है उसका 2 पत्ती की अवस्था में और 4 पत्ती की अवस्था में निश्चित उपयोग करें, जिससे कि कम से कम मतलब जो है नर मतलब फूल आएंगे और अधिक से अधिक मादा फूल आएंगे। मादा फूल जब अधिक आएंगे तो उत्पादन भी अधिक मिलेगा और कम एरिया में अधिक उत्पादन किसान लेके और लाभ उठाएंगे। तो इथरेल का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है और इसका उपयोग भी अगर आप करेंगे तो उससे आप निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे और फायदा उठाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते आप संक्षिप्त में बताएं क्योंकि समय बहुत कम है, यदि इस समय हमारे किसान भाई कुछ सब्जियां वगैरह रोपनी तैयार की लगाना चाहते हैं, खास तौर से मटर वगैरह है, हाँ जैसे तो अगेती मटर लगा सकते हैं, अगेती मटर के साथ साथ में टमाटर का पौध लगाने का उचित समय है, भट्टे की पौध लगाने का उचित समय है और ख़ास तौर से अब ठंड का सीजन आ रहा है तो तमाम सारी सब्जियां लगाने के लिए भूमि की तैयारी शुरू कर देने की आवश्यकता है। जैसे ही बतर मिलता है तो आपका भट्टा है, टमाटर है, मिर्च है, पालक है, मेथी है, धनिया है, गाजर है, मूली है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जे आलू का भी अब सीजन आने को है, मतलब तो अभी लेट नहीं हुई है, नहीं कुछ भी लेट नहीं, बिल्कुल सही उचित समय है और अभी तैयारी करके जैसे ही खेत में बतर आती है तो वो चाहे तो बस तैयारियां शुरू कर दें और आप जो है वो तमाम खेतों की तैयारी करके और अभी से आप करेंगे तो अगेती फसल आपको मिलेगी जिसका निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ मिलेगा। सोनी जी, 2 चीज़ों में ही फायदा होता है, या तो पहले फसल आ जाए आपके खेत में तो फायदा मिलता है या सबसे अखीर में आए तो फायदा मिलता है। तो मेरा अभी किसान भाइयों से निवेदन है, खास तौर से सब्जी मतलब जो है उगाने वाले किसान, कि वो जो है वो मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखें कि अब जो है वो तैयारी के समय समुचित समय आ गया है और अब आप तैयारी करें और मतलब खेत में जैसे ही पता रहता है वैसे ही बुआई कर दें, बुआई का काम प्रारंभ। डॉक्टर परियार जी, आप यहाँ पर आए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और हमारे किसान भाइयों को जरूर जो है इससे लाभ मिला होगा। परियार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें आज्ञा, नमस्कार।